अब हम सेकंड चैप्टर के कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स देखेंगे। तो आज इसमें से पहला प्रोग्राम यह है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर एंड चेक इफ इट इज़ ए लोअर केस और ए अपर केस लेटर। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम यूज़र को एक कैरेक्टर एंटर करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब अपर केस, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स यानी नंबर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सभी को हम कैरेक्टर्स कहेंगे। तो यूज़र ने क्या एंटर किया है ये हमको चेक करना है। तो हो सकता है वो लोअर केस या अपर केस लेटर हो, अगर नहीं तो ये चेक कीजिए कि क्या वो एक नंबर है या एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो जब प्रोग्राम की शुरुआत होगी उस समय हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे टू एंटर ए कैरेक्टर। यूज़र ने उसका जो कैरेक्टर है वो एंटर करने के बाद में उसको चेक करके उसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले ब्लूजे का कंपाइलर ओपन कीजिए और फिर उसके अंदर न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और उसको नाम दीजिए फाइंड आउट। ये प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे एज ए कमेंट दिख जाएगा, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो अब हम प्रोग्राम किस तरह से लिखा गया ये देखेंगे। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, यहाँ पर हम जावा का यूटिलिटी पैकेज इम्पोर्ट करते हैं। पब्लिक क्लास फाइंड आउट, यह है हमारे प्रोग्राम का नाम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर हमने इन नाम से स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है। कैरेक्टर के सी एच ए आर के, यहाँ पर हमने के नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर ए कैरेक्टर, ये हमने यूज़र को प्रॉम्प्ट भेजा और जो यूज़र डाटा एंटर करेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम इस कैरेक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। के इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डॉट सी एच ए आर ए टी जीरो, यहाँ पर इन हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट और सी एच ए आर ए टी ये दोनों स्कैनर क्लास के फंक्शंस हैं। तो यूज़र ने एंटर किया हुआ जो कैरेक्टर है वो के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब हम इस के नाम के वेरिएबल को प्रोग्राम में आगे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर इन ब्रैकेट के इज़ इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर इज़ लेटर नाम का फंक्शन है, ये कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर है। तो ये चेक कर सकता है कि के अंदर जो वैल्यू है वो एक लेटर है या नहीं है। अगर वो लेटर है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो लेटर नहीं है तो ये सेकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यह लेटर हुआ तो हम चेक करेंगे कि क्या वो अपर केस है या लोअर केस है। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ अपर केस के, यहाँ पर इज़ अपर केस भी एक फंक्शन है कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर। तो अगर अपर केस है तो हम यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के इज़ ए अपर केस लेटर। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर केस के इज इक्वल्स इक्वल्स ट्रू, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के इज़ ए लोअर केस लेटर। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं अपर केस और लोअर केस डिटरमाइन करने के लिए इनका प्रयोग होता है। अब अगर यूज़र ने जो इनपुट किया है वह एक लेटर नहीं है तब क्या होगा? तब वह या तो डिजिट होगा या स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो एक डिजिट है। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट के इक्वल्स ट्रू, अगर वह एक डिजिट है तब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के इज़ ए नंबर, डिजिट यानी ये नंबर। अगर नहीं है, अगर वह डिजिट भी नहीं है तब क्या होगा? तब वह होगा एक स्पेशल कैरेक्टर। तब हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के इज़ ए स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप देखें कि जो है वो वेरिएबल का नाम है। आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल को डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसके अलावा अगर हमको कोई टेक्स्ट लिखना है आउटपुट में तो वो हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं इस तरह से। और साथ ही स्पेसेस का भी ध्यान रखिए, अगर हमने एक वेरिएबल लिखा है तो वेरिएबल के बाद में हम प्लस लिखकर डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए
सबसे पहले हम थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं, नहीं तो ये वेरिएबल का जो आउटपुट है वह और आगे का टेक्स्ट जो है वो एक साथ दिखाई देगा, तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा, इसलिए हमको यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। अब हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। आप इस प्रोग्राम को कमेंट्स सेक्शन में से कॉपी करके अपने BlueJay के कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। क्लास सेव, उसके बाद में कंपाइलर पर प्रेस कीजिए, तो आपको नीचे यहाँ पे मैसेज दिखना चाहिए, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसके बाद प्रोग्राम के आइकॉन पर जाइए और वहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब जो नया विंडो आता है उसके ऊपर ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे BlueJay का टर्मिनल विंडो ओपन हो गया। एंटर ए कैरेक्टर, सी इज ए लोअर केस। तो एक बार हम एक ही आउटपुट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसको आप कई बार रन करके देखिए। अब यहाँ पे मैं एक डिजिट एंटर कर रहा हूँ, 7 इज ए नंबर। अब हम एक स्पेशल कैरेक्टर एंटर करके देखें, डॉलर इज ए स्पेशल कैरेक्टर। तो अब हम एक और एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए लेटर फ्रॉम द यूजर, चेंज इट्स केस एंड डिस्प्ले द न्यू लेटर एंड इट्स ASCII कोड। तो सबसे पहले हम यूज़र को एक लेटर एंटर करने के लिए कहेंगे, लेटर यानी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स में से, और यूज़र ने अगर स्मॉल लेटर एंटर किया तो उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, अगर उसने कैपिटल लेटर एंटर किया हुआ है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में जो कन्वर्ट किया हुआ फॉर्म है लेटर का वो डिस्प्ले करेंगे और साथ ही उसका ASCII कोड भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ऐसा है प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम यूज़र को ये प्रॉम्प्ट करेंगे, एंटर ए कैरेक्टर। यूज़र ने अगर कैपिटल डी एंटर किया हो तो हम यहाँ पर रिजल्ट ऐसे डिस्प्ले करेंगे, द लोअर केस ऑफ डी इज स्मॉल डी, द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इज 100। इस तरह से यूज़र ने जो भी लेटर एंटर किया हो उसको हम कैपिटल से स्मॉल करेंगे और स्मॉल से कैपिटल करेंगे, और फिर साथ ही उसका ASCII वैल्यू भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अब BlueJay का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसमें न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और इसको नाम दीजिए चेंज केस। यह प्रोग्राम आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा आज का सेकेंड एग्जांपल है। पहले हम जावा का यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.star। उसके बाद पब्लिक क्लास चेंज केस, ये हमारे क्लास का नाम है यानी कि प्रोग्राम का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर हमने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक्स नाम से, CHARK, K1। यहाँ पर हमने K और K1 नाम से दो कैरेक्टर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन इन ब्रैकेट एंटर ए कैरेक्टर। यहाँ पर हमने यूज़र के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया है, K=X.next.char80। यहाँ पर हमने यूज़र का इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया है। यहाँ पर X हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट कैरेक्टर एट next.char80 यह फंक्शन स्कैनर क्लास का हिस्सा है। यह फंक्शन कीबोर्ड पर इनपुट किए गए कैरेक्टर को, यूज़र इनपुट को एक्सेप्ट करके उसे के नाम के कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब इसके बाद हम इस के वेरिएबल के अंदर स्टोर किए गए कैरेक्टर को प्रोग्राम में आगे इसका प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट किया है वह एक अपर केस है या नहीं।
इफ इन ब्रैकेट कैरेक्टर डॉट इज अपर केस के इक्वल्स इक्वल्स ट्रू। यहाँ पर हमने कैरेक्टर रैपर क्लास में इज अपर केस नाम के फंक्शन का प्रयोग किया है। अगर के अंदर स्टोर किया गया कैरेक्टर अपर केस है तो हम इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वह अपर केस नहीं है तो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। अगर वह अपर केस है उस समय K1 इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस के, यहाँ पर हम टू लोअर केस नाम के फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यह फंक्शन कैरेक्टर रैपर क्लास का हिस्सा है और यह अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उस लेटर को K1 नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा और उसका प्रयोग हम आउटपुट स्टेटमेंट में रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन द लोअर केस ऑफ के इज K1। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, अब हम K1 की जो ASCII वैल्यू है वह डिस्प्ले करेंगे। द ASCII वैल्यू ऑफ K1 इज इंट ऑफ K1। यहाँ पर हमने इंट ऑफ K1 का प्रयोग किया है। K1 इस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर है उसकी ASCII वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह से अगर यूज़र ने लोअर केस लेटर एंटर किया हो तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हम लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम टू अपर केस नाम के फंक्शन का प्रयोग करेंगे और अपर केस लेटर को K1 वेरिएबल में स्टोर करेंगे और हम यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे और साथ ही उस लेटर की जो ASCII वैल्यू है वह भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो आइए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। क्लास सेव, उसके बाद में कंपाइल पर प्रेस कीजिए। क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स, यह मैसेज हमें दिखाई देगा। अब हम ब्लूजे के मेन विंडो में जाएंगे और हमारा जो क्लास है चेंज केस उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अगले विंडो में हम ओके पर प्रेस करेंगे। हमारा ब्लूजे का टर्मिनल विंडो ओपन हो गया है। एंटर ए कैरेक्टर, यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एस एंटर किया है, स्मॉल एस। तो यहाँ रिजल्ट में आएगा द अपर केस ऑफ एस इज़ कैपिटल एस, द ASCII वैल्यू ऑफ एस इज़ 83। अब यहाँ पर आप एक बात मार्क करेंगे, अपर केस ऑफ एस, ऑफ और एस के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए ओ एफ एस नाम का वर्ड हमें दिखाई देता है। अगर हमें इसे सुधारना है तो ऑफ के बाद में हमको एक स्पेस देना होगा। तो ये हम कर सकते हैं, इसको हम क्लियर करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और प्रोग्राम को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट है द अपर केस ऑफ, डबल कोट के भीतर हम अगर एक स्पेस दे देंगे यहाँ पर तो ये स्पेस आउटपुट में भी डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ में रन करके टेस्ट कर सकते हो। तो हम आज का तीसरा एग्जांपल देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र को हम बताएंगे कि कोई भी 10 कैरेक्टर्स एंटर कीजिए। कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। तो कोई भी 10 कैरेक्टर्स प्रोग्राम के लिए हम एंटर एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये जो 10 कैरेक्टर्स हैं इन 10 कैरेक्टर्स के ASCII कोड इनको कन्वर्ट करना है और उस ASCII कोड के जो नंबर्स हैं उनको सम करना है उनका, और वो जो टोटल सम है हमको ये एज ए रिज़ल्ट हमको डिस्प्ले करना है। तो ये होगा हमारा आज का प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम। अब ब्लूजे का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसमें न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और सम ASCII यह नाम दीजिए उसे।
यह प्रोग्राम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में से कॉपी कर सकते हो और उसे BlueJ के कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। इम्पोर्ट java.util.star। हमने जावा का यूटिलिटी पैकेज इम्पोर्ट किया। क्लास सम ASCII, यह हमारे क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। यहाँ पर हमने x नाम से एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। CHARK, यहाँ पे हमने k नाम से एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इंट i कॉमा सम इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने i नाम का एक इंटीजर वेरिएबल और सम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और सम को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से। system.out.println enter any 10 characters। तो हमने यूज़र को मैसेज भेजा। अब यूज़र जो इनपुट करेगा उसे हम स्टोर करने के लिए इस कैरेक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमें 10 इनपुट लेने हैं इसलिए हम एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, i डबल प्लस। तो ये लूप 10 बार रन होगा। k इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x डॉट नेक्स्ट डॉट char80। इस स्टेटमेंट से यूज़र का इनपुट एक बार में एक्सेप्ट किया जाता है और उसे k नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। सम इक्वल्स टू सम प्लस इंट ऑफ k। सम एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और k के अंदर यूज़र जो भी कैरेक्टर इनपुट करेगा उसकी ASCII वैल्यू हम इंट ऑफ k से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ASCII वैल्यू एक नंबर होती है इसलिए हम उसे सम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब ये 10 इनपुट्स एक्सेप्ट करता है यूज़र से, उस समय सम भी रन होगा और उन 10 नंबर्स का जो टोटल है वो हमको सम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ मिलेगा और उसे फिर हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम टेस्ट करके देखें। क्लास सेव और कंपाइल। अब BlueJ के मेन विंडो में जाइए और प्रोग्राम के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट वाइड मेन। इंटर एनी 10 कैरेक्टर्स। यहाँ पर किसी भी तरह के 10 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये हो गए हमारे 10 कैरेक्टर्स। अब इस 10 कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू जो है उनका जो टोटल आउटपुट है हमको यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रोग्राम को आप अलग अलग कैरेक्टर्स से टेस्ट करके देख सकते हैं। तो हमारा आज का चौथा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू अलाउ द यूज़र टू एंटर एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम यूज़र को कहेंगे कि आपको कितने कैरेक्टर्स एंटर करने हैं। तो जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उतने नंबर का एक हम लूप क्रिएट करेंगे और उसमें उतने कैरेक्टर्स हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। हमको यूज़र को यह बताना होगा कि आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स एंटर करने हैं, या तो कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स, और 10 लेटर्स में कितने कैपिटल लेटर्स हैं और कितने स्मॉल लेटर्स हैं ये हमको काउंट करना है और उसी को एज ए रिज़ल्ट हमको डिस्प्ले करना है। यानी कि यूज़र ने कितने कैपिटल लेटर्स एंटर किए हैं और कितने स्मॉल लेटर्स एंटर किए हैं। तो यही होगा हमारा आज का प्रोग्राम। अब BlueJ का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसमें एक न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और फिर उसमें नाम दीजिए काउंट केस। यह प्रोग्राम भी आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर दिख जाएगा, एग्जांपल 4। उसे आप कॉपी करके BlueJ के कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। अब हम प्रोग्राम देखें। इम्पोर्ट java.util.star। यहाँ पे हमने यूटिलिटी पैकेज इम्पोर्ट किया। क्लास काउंट केस, यह है हमारे क्लास का नाम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। हमने x नाम का एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। CHARK, हमने k नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब हम कुछ इंटीजर वेरिएबल्स
डिक्लेयर करेंगे, इंट आई एन एल सी और यू सी। एल सी और यू सी जो हैं वो लोअर केस और अपर केस लेटर्स का जो नंबर है उसे स्टोर करने के लिए हमने क्रिएट किया है। एल सी इक्वल्स टू जीरो, यू सी इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों इंटीजर वेरिएबल्स को हमने एक इनिशियल नंबर असाइन किया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वॉन्ट टू एंटर। अब यूज़र जो है एक नंबर एंटर करेगा, तो उस नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए हम एन वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। एन यह इंटीजर वेरिएबल है। एन इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो इस लाइन में एक्स जो है वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इंट जो है वो स्कैनर क्लास का फंक्शन है। तो ये जब रन होगा तो वह यूज़र ने एंटर किया हुआ नंबर एन वेरिएबल में स्टोर करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नाउ एंटर एन कैरेक्टर्स। तो हमने यूज़र को दोबारा मैसेज भेजा, उसके अंदर वही नंबर हमने मेंशन किया है, यूज़र ने एंटर किया हुआ नंबर। तो हमने यूज़र को कहा है कि उतने कैरेक्टर्स अब आप एंटर करो। तो एन नंबर क्या है हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम एन का ही इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो जो भी वैल्यू इसमें स्टोर्ड होगी उतने तक यह फॉर लूप रन होगा। फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन, आई डबल प्लस। तो एन टाइम्स तक फॉर लूप यह रिपीट होगा। यहाँ पर हम जो यूज़र ने इनपुट किए हुए कैरेक्टर्स हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए हम कैरेक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, कैरेक्टर के। के इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट डॉट सी एच ए आर ए टी जीरो। एक्स भी यह स्कैनर ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट सी एच ए आर ए टी ये स्कैनर क्लास के फंक्शंस हैं जो एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से इनपुट किए हुए और उसे के अंदर स्टोर करेंगे। अब हम के अंदर स्टोर किया हुआ जो कैरेक्टर है उसे चेक करेंगे कि या वो अपर केस है या नहीं। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस के, अगर वह कैरेक्टर अपर केस होगा तो हम अपर केस नाम का जो इंटीजर वेरिएबल है उसको एक से इंक्रीमेंट करेंगे। तो यूसी जो है पहले जीरो था, अगर एक अपर केस कैरेक्टर आ गया तो यूसी की वैल्यू एक होगी। उसी तरह से अगर वह अपर केस नहीं है तो एलसी नाम का जो इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से अपर केस या लोअर केस जो भी कैरेक्टर इसके अंदर आएगा एन टाइम तक ये प्रोग्राम रन होने तक, तो अपर केस की वैल्यू यूसी के अंदर जमा होगी और लोअर केस की वैल्यू एलसी में जमा होगी। और हम अंत में इस लूप के बाहर आने के बाद में अपर केस और लोअर केस की जो टोटल वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। क्लास सेव और कंपाइल, उसके बाद में ब्लूजे के मेन विंडो में जाएंगे, काउंट केस के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वाइड मेन सेलेक्ट करेंगे। हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू एंटर, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 7, तो नाउ एंटर 7 कैरेक्टर्स। ये सातों कैरेक्टर्स जो हैं आप एक ही लाइन में एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से हमने 7 कैरेक्टर्स एंटर किए। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है, यू हैव एंटर्ड 3 अपर केस लेटर्स एंड 4 लोअर केस लेटर्स। अब आप टर्मिनल विंडो के अंदर जो डिस्प्ले है उसे क्लियर करके इसे क्लोज कर दीजिए और इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके कुछ और वैल्यूज़ के साथ में इसे टेस्ट करके देखिए। तो आज का 5वां एग्जांपल हम देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, join them together as strings to create a new number and display it। तो हम यूज़र से 2 नंबर एंटर करने के लिए कहेंगे और फिर उन दोनों को join करके एक नया नंबर हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर join का मतलब add नहीं है, हम दोनों नंबर्स को add नहीं करेंगे बल्कि इस तरह से डिस्प्ले करेंगे, enter a number, enter another number, और ये जो दोनों नंबर्स हैं एक के बाद एक लिखेंगे इस तरह से। तो ये हम ऐसे हमने स्ट्रिंग लिखा है, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं और इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने ज्वाइन करके यहाँ पे लिखा है। अब ब्लूजे का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसमें न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और इस क्लास को नाम दीजिए ज्वाइन नंबर। यह प्रोग्राम भी आप इस वीडियो के नीचे
कमेंट्स में से कॉपी करके अपने BlueJK कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो, एग्जांपल नंबर 5। अब हम प्रोग्राम को देखें किस तरह से लिखा गया है। इम्पोर्ट java.util.star, तो आप जान गए होंगे कि हमने यूटिलिटी पैकेज इम्पोर्ट किया है। क्लास जॉइन नंबर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्कैनर एक्स इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, हमने एक्स नाम का एक स्कैनर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। इंटीजर n1, n2, हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। स्ट्रिंग s, हमने s नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन इन ब्रैकेट एंटर एनी नंबर, हमने यूज़र को मैसेज भेजा एंटर एनी नंबर। अब यूज़र नंबर एंटर करेगा, उसे एक्सेप्ट करने के लिए हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। n1 इज इक्वल टू x डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे n1 यह इंटीजर वेरिएबल है, x स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का फंक्शन है। तो यह यूज़र से एक इंटीजर इनपुट करेगा और उसे n1 के अंदर स्टोर करेगा, और उसके बाद हम दूसरा नंबर भी यूज़र से एंटर करने के लिए कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन एंटर अनदर नंबर। n2 इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट, तो एक्स डॉट नेक्स्ट इंट तो वही फंक्शन है, हमने सिर्फ दूसरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया। पहले वेरिएबल में पहला नंबर स्टोर होगा, दूसरे वेरिएबल के अंदर दूसरा नंबर स्टोर होगा। तो हमारे पास n1 और n2 इन दोनों इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर यूज़र ने एंटर किए हुए दो इंटीजर्स आ गए हैं। अब हम इन इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए इंटीजर रैपर क्लास के अंदर एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग नाम से, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग n1। तो यह n1 के अंदर जो इंटीजर स्टोर किया हुआ है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और यह n2 के अंदर जो इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास दो स्ट्रिंग आ गए और हमने उसे प्लस कर दिया, तो ये जो एडिशन होगा ये स्ट्रिंग एडिशन है। तो इसको स्टोर हम कहाँ पे करेंगे, उसको हम स्ट्रिंग में ही स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रिंग s नाम से हमने जो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो s के अंदर इन दोनों नंबर्स को एज ए स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करके स्टोर किया जाएगा जोड़ के। तो यहाँ पे हम इंटीजर का एडिशन नहीं कर रहे हैं बल्कि दोनों को एज ए स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और हम इसको फाइनली रिजल्ट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन द जॉइंट नंबर विल बी प्लस s। तो s जो है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसके अंदर हमारा रिजल्ट है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। क्लास सेव और फिर कंपाइल, उसे क्लोज कर दीजिए। अब प्रोग्राम के आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वॉइड मेन एंटर एनी नंबर एंटर अनदर नंबर। तो इन दोनों नंबर को एक के बाद एक यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं एज स्ट्रिंग्स। तो आप इस प्रोग्राम को अलग अलग वैल्यूज़ के साथ रन करके देख सकते हो। टर्मिनल विंडो से इसको क्लियर कीजिए, क्लोज कीजिए और दोबारा से प्रोग्राम को रन करके आप देख सकते हो। तो अब हम आज का छठा एग्जांपल देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए लेटर फ्रॉम द यूज़र, इफ़ इट इज़ अपर केस लेटर देन चेंज इट विद द नेक्स्ट फिफ्थ लेटर, अदरवाइज चेंज इट विद थर्ड प्रीवियस लेटर फ्रॉम द आस्की टेबल। तो अगर यूज़र ने कोई कैपिटल लेटर लिखा हो तो उस लेटर के बाद जो पांचवा लेटर है तो वो हम रिप्लेस करेंगे, और अगर कैपिटल नहीं है तो प्रीवियस थर्ड लेटर से उसे रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा इंक्रिप्शन रूटीन है। तो अगर यूज़र ने स्मॉल a लिखा या फिर कैपिटल z लिखा तो क्या होगा? तो ASCII टेबल में उसके तीन स्टेप पहले, स्मॉल a के तीन स्टेप तीन नंबर पहले जो भी कैरेक्टर आएगा वो हम लिखेंगे, उसी तरह से कैपिटल z के बाद फिफ्थ जो कैरेक्टर होगा होगा अंडरस्कोर, तो आएगा अंडरस्कोर। अब BlueJK का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसमें न्यू क्लास क्रिएट कीजिए
और उसको नाम दीजिए एनक्रिप्ट। यह प्रोग्राम भी आप कमेंट्स में से कॉपी करके कंपाइलर के अंदर पेस्ट कर सकते हो। यह है एग्जांपल 6। अब हम प्रोग्राम को स्टडी करेंगे। इंपोर्ट java.util.star क्लास एनक्रिप्ट, हमने यहाँ पे यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट किया है। क्लास एनक्रिप्ट यह हमारे क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर x इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, कैरेक्टर char k, kh, हमने k और kh नाम से दो कैरेक्टर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। इंट e, हमने e नाम से एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। system.out.println, एंटर एनी अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल। k इज इक्वल टू x.next.char80। k हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, x स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट और char80 ये स्कैनर क्लास के फंक्शंस हैं। इस लाइन के रन होने पर यूज़र कीबोर्ड के ऊपर जो भी की प्रेस करेगा वह कैरेक्टर इस फंक्शन के द्वारा एक्सेप्ट होगा और उसको k वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। हम यहाँ पे कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम के अंदर स्टोर किया हुआ जो कैरेक्टर है वह अपर केस है या नहीं यह चेक करने वाले हैं। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज़ अपर केस के, तो अगर वह अपर केस होगा तो हम उसकी ASCII वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे। इसके लिए हम ई नाम के इंटीजर वेरिएबल का प्रयोग कर रहे हैं। ई इज़ इक्वल टू इंट ऑफ के प्लस 5। जो भी कैरेक्टर होगा उसकी ASCII वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी इंट ऑफ के से, और उसमें 5 एडिशन करेंगे और वो ई के अंदर स्टोर करेंगे। एल्स अगर वो अपर केस नहीं है, अगर वो लोअर केस है, लोअर केस होगा तो उसकी ASCII वैल्यू से हम 3 रिड्यूस करेंगे। इस तरह से हमको अपर केस के लिए प्लस 5 वाला नंबर मिलेगा, लोअर केस के लिए -3 वाला नंबर मिलेगा। अब हम ई में जो भी नंबर आएगा उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। kh इज इक्वल टू char ऑफ e, तो हम इस नंबर को दोबारा से कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और उसे kh के अंदर स्टोर करेंगे। अब kh नाम का जो कैरेक्टर वेरिएबल है इसको हम आउटपुट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। system.out.println encrypted character is plus kh। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। क्लास सेव कंपाइल। अब प्रोग्राम के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वॉइड मेन, एंटर एनी अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल। तो हमने एच एंटर किया तो हमको मिला इनक्रिप्टेड कैरेक्टर इज ई। तो स्मॉल लेटर एच होने की वजह से इसका जो इससे पहले वाला जो थर्ड कैरेक्टर है वह हमको यहाँ पे मिल जाता है। हम इसको दोबारा से रन करके देखें। इस बार मैंने कैपिटल ए यहाँ पे एंटर किया तो इसका जो आगे का 5वां नंबर वाला कैरेक्टर है वो हमको मिलेगा। इस तरह से कोई भी अगर हम किसी मैसेज को एनक्रिप्ट करना हो तो इस तरह से एनक्रिप्शन लॉजिक हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।